अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। तो चलिए फिर आज की इस मजेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की बेकिंग क्लास में एक टी टाइम केक की रेसिपी लेके आई हूँ और ये एप्पल वॉलनट टी टाइम केक बहुत ही अमेजिंग बनता है। इस तरीके से आप इसे जरूर से बनाइए, बहुत ज्यादा टेस्टी बनता है ये एप्पल वॉलनट फ्लेवर का केक। जरूर से एक बार इसे ट्राई कीजिए, काफी सॉफ्ट और एकदम मॉइस्ट बन के तैयार होता है। आपको ये रेसिपी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। इसी के साथ अगर आपने हमारी बाकी की बेकिंग क्लास की सारी रेसिपीज को मिस कर दिया है तो उन सबकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसे भी आप जरूर से चेक कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सॉफ्ट एंड मॉइस्ट एप्पल वॉलनट केक। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें केक के लिए टिन तैयार करना होगा, जिसके लिए मैंने यहाँ पे राउंड वाला केक टिन लिया है। ये 7 इंच का केक टिन है, आप यहाँ पर आप कोई भी केक टिन ले सकते हैं। तो केक टिन को तैयार करने के लिए ओडी का इको बेक कुकिंग पेपर सर्कल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अलग अलग साइजेस में बहुत ही इजीली अवेलेबल है, साथ ही ये हेल्दी एंड कन्वीनियंट है, वाटर एंड ऑयल प्रूफ है और मल्टीपल टाइम आप इसे यहाँ पे रीयूज कर सकते हैं। इस तरीके की अलग अलग साइजेस में आपको बहुत इजीली मिल जाता है। इसे अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने 7 इंच का केक टिन लिया था और 7 इंच का ही मैंने इसमें से ये पेपर सर्कल निकाल लिया है और अब हम इसे टिन में लगा देंगे। इस तरीके से टिन में लगाने के बाद आपको टिन में ऑयल या फिर बटर लगाने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है। टिन हमारा तैयार है, इसे साइड में रख देते हैं और यहाँ पर अब हम ले लेते हैं 2 एग। तो यहाँ पर मैं 2 अंडे का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप एग नहीं खाते हैं तो यहाँ पर एग की जगह पर आप आधा कप यहाँ पर फ्रेश दही का इस्तेमाल कर सकते हैं इस रेसिपी के लिए। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये 2 एग डाल दिए हैं एक बर्तन में और इसी के साथ यहाँ पर हम डालेंगे इसमें आधा कप पाउडर चीनी। तो यहाँ पे ये जो केक मैं बना रही हूँ हल्का सा मैं कम स्वीट रख रही हूँ। अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा मीठा खाना पसंद है तो यहाँ पे 3/4 कप आपको पाउडर चीनी का इस्तेमाल करना है। मैंने यहाँ पे आधा कप इसमें पाउडर चीनी डाल दी है और अब हम इसे अच्छे से यहाँ पे बीट करेंगे। तो इसे विस्क करने के लिए आप चाहें तो हैंड विस्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसे इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल करके अच्छे से इसे बीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे अच्छे से 1 मिनट के लिए इस तरीके से बीट कर लूंगी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये अगारो ब्रांड का है। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई है, उसकी लिंक आप जरूर से चेक कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। काफी अमेजिंग सा ये प्रोडक्ट है अगारो का इलेक्ट्रिक बीटर, आप जरूर से इसे परचेस कर सकते हैं और इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी जरूर से आप चेक कर सकते हैं। आइसक्रीम और बेकिंग के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो इसे मैंने यहाँ पे अच्छे से 1 मिनट के लिए मीडियम स्पीड पे बीट कर लिया है और इस तरीके का क्रीमी और एकदम स्मूथ मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर हम इसमें डालेंगे ऑयल। तो यहाँ पे आधा कप मैंने ऑयल डाल दिया है, आप चाहें तो मेल्ट करके बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ऑयल डालने के बाद कुछ सेकेंड्स के लिए हम इसे वापस से अच्छे से बीट कर लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, बस कुछ ही 20 से 30 सेकेंड्स के लिए मैंने इसे बीट कर लिया है। इसके ऊपर अब हम एक छन्नी रखेंगे और इसमें डालेंगे 1 कप मैदा। ग्राम्स में देखें तो ये 125 ग्राम हमने मैदा लिया है। 1 टीस्पून हम यहाँ पर इसमें डाल देते हैं बेकिंग पाउडर। अगर इस रेसिपी में आपने अंडे की जगह पे दही का इस्तेमाल किया है तो आपको यहाँ पर बेकिंग पाउडर के साथ यहाँ पे आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा भी इस्तेमाल करना होगा। तो चलिए हम सारी चीजों को अच्छे से छान लेते हैं। सारी चीजें मैंने बढ़िया से छान ली है और अब हम इसे बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरीके से कट एंड फोल्ड के मेथड से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखें बिल्कुल हल्के हाथों से ही इसे हमें मिक्स करना है। अब यहाँ पर 1 छोटी चम्मच हम इसमें वनीला एसेंस डाल देते हैं और साथ ही हम इसमें 1/4 कप दूध डाल देंगे। तो यहाँ पे जो दूध हमने इस्तेमाल किया है वो बिल्कुल यहाँ पे रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, फ्रिज से निकला हुआ ठंडा या फिर गर्म दूध का बिल्कुल भी आपको यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है। अच्छे से दूध डालने के बाद हम इसे हल्के हाथों से कुछ इस तरीके से बिल्कुल मिक्स कर लेंगे। बैटर में बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए, एकदम स्मूथ टेक्सचर का हमारा मिक्सचर ये तैयार होना चाहिए, कुछ इस तरीके का बैटर होना चाहिए। अब यहाँ पर हम इसमें एप्पल डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज का एप्पल लिया है जिसे हम थोड़े से बड़े वाले ग्रेटर से कुछ इस तरीके से ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं 3/4 जितना एप्पल इसमें अभी डाल रही हूँ ग्रेट करके और बाकी का हम थोड़ा सा ऊपर गार्निशिंग के लिए यूज करेंगे। अच्छे से एप्पल को डालने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे और तैयार किया हुआ बैटर अब हम डाल देते हैं यहाँ पर हमारे केक टिन में। तो सारा बैटर मैंने केक टिन में डाल दिया है, अच्छे से इसे टैप कर लेंगे और जो बाकी का थोड़ा सा मैंने एप्पल बचा के रखा था उसे भी हम इस तरीके से ग्रेटर से ग्रेट करके इसके ऊपर डाल देंगे। इस तरीके से डाल दिया है और थोड़ा सा मैं यहाँ पे अब इसके ऊपर डाल रही हूँ बारीक चॉप किए हुए वॉलनट्स। तो वॉलनट्स डालना वैसे ऑप्शनल है पर आप डालते हैं तो एप्पल के साथ वॉलनट का फ्लेवर बहुत अच्छा जाता है, तो काफी अच्छा सा एक क्रंच भी मिलेगा वॉलनट की वजह से केक में और बहुत ज्यादा बढ़िया टेस्ट आता है। तो थोड़े से मैंने चॉप किए हुए वॉलनट डाल दिए हैं यहाँ पर और ये हमारा केक टिन तैयार हो चुका है। अगर आप चाहें तो इसे कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं, लो फ्लेम पे आपको इसे 35 से 40 मिनट के लिए प्री हीटेड कढ़ाई में आप इसे बेक कर सकते हैं। और अगर आप चाहें इसे ओटीजी या ओवन में बेक करने वाले हैं तो उसे भी आप यहाँ पे 170 डिग्री पर
प्रीहीट कर लें और प्रीहीटेड ओटीजी या फिर ओवन में से आप 170 डिग्री सेल्सियस पे 35 से 40 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं। लेकिन आज इस केक को मैं एयर फ्रायर में बेक करने वाली हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास ये अगारो का ऑल इन वन एयर फ्रायर, जिसे हम सबसे पहले प्रीहीट कर लेंगे। जैसे हम ओटीजी या ओवन को पहले प्रीहीट करते हैं, सेम वैसे ही हम इसे 170 डिग्री सेल्सियस पे प्रीहीट करेंगे 5 मिनट के लिए। अगारो के इस एयर फ्रायर में आप एयर फ्रायर, बेकिंग, टोस्टिंग, ग्रिलिंग सारी चीजें आप इस एक ही एयर फ्रायर में कर सकते हैं। काफी अमेजिंग प्रोडक्ट है ये, आप इसे जरूर से परचेस कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, साथ ही इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी मैंने शेयर की, उसे भी आप जरूर से चेक कर सकते हैं। प्रीहीट हो गया है हमारा एयर फ्रायर, तो अब मैंने इसमें केक टिन रख दिया है और यहाँ पर अब हम इसे 170 डिग्री सेल्सियस पर ही 35 मिनट के यानी कि 35 मिनट के लिए अच्छे से हमारे केक को बेक होने देंगे। तो 35 से 40 मिनट में हमारा केक बढ़िया से बेक हो जाएगा, मैंने टाइमर लगा दिया है। और ये एयर फ्रायर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, आप इसे जरूर से परचेस कर सकते हैं और इसे यूज करना भी बहुत ही आसान है। इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की, उसके लिंक भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर से चेक कर सकते हैं। तो हमारा केक काफी अच्छे से बेक हो गया है, टोटल 38 मिनट मुझे लगे हैं इस केक को परफेक्टली बेक करने के लिए। केक बिल्कुल हमारा अच्छे से बेक हो चुका है, अब हम इसे बाहर निकाल कर कपड़े से ढक देंगे और पूरी तरह से हमारे केक को ठंडा कर लेंगे। तो केक हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है, अब हम इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। केक काफी आसानी से हमारा डीमोल्ड हो गया है, आप देख सकते हैं। और इसका जो हमने यहाँ पे ये इको बेक पेपर लगाया था, उसे भी हम निकाल देंगे। इस पेपर को आप यहाँ पर मल्टीपल टाइम रीयूज कर सकते हैं। केक पूरी तरह से हमारा ठंडा हो चुका है और आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया कलर आया है इसके ऊपर, हमने जबकि इसे एयर फ्रायर में बेक किया है, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट हमारा केक यहाँ पर बेक होकर तैयार हुआ है। तो चलिए हमारे केक को हम कट कर लेते हैं और देखते हैं इसका अंदर का टेक्सचर किस तरीके का आया है। तो इस तरीके से हम केक को कट कर लेंगे और इसे यहाँ पर सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं केक का अंदर का टेक्सचर भी बहुत ही बढ़िया आया, एकदम सॉफ्ट और एकदम मॉइस्ट केक बनकर हमारा तैयार हुआ है। ये केक बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है, एप्पल के साथ वॉलनट का फ्लेवर भी बहुत अच्छा जाता है। जरूर से इस रेसिपी को आप एक बार ट्राई कीजिए, आपको ये केक की रेसिपी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। रेसिपी अगर ट्राई करते हैं तो इसकी फोटोज हमें इंस्टाग्राम पे जरूर से शेयर कर सकते हैं। अगर इसी तरह की और भी रेसिपीज देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू for watching.